नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सतीश बालेरो। आज के एपिसोड में सीखते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर थ्री एंगल से बन जाता है, शटर स्पीड, एपर्चर, आईएसओ। समझने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तुम ध्यान से देखोगे तो जल्दी सीख जाओगे। तो चलो सीखते हैं। तो बड़ा एपर्चर लेंस में, जितना लेंस ओपन रहेगा उतना बड़ा एपर्चर होता है। ये देखिए, ये हो गया बड़ा एपर्चर, ये हो गया छोटा एपर्चर। जितना ये लेंस अपनी ओपनिंग होगा उसे कहते हैं बड़ा एपर्चर। जितने अपनी इमेज सॉरी लेंस अपनी क्लोज हो जाएगी उसे कहते हैं छोटा एपर्चर। और जो शटर स्पीड है वो कैमरा में रहता है, सेंसर में। ये हो गया आपका शटर स्पीड। और जो आईएसओ रहता है वो अपने सेंसर पे डिपेंड होता है कि अपना सेंसर कितना स्ट्रांग है, कितने लाइट लो लाइट कैच कर पाता है, उसे कहते हैं आईएसओ। एपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। तो एपर्चर पे नंबर आपको पता है, 2.8, 3.2, 3.5 एंड f4। तो ये कैसे होता है? डबल इंटेंसिटी। आपको मैं सीधी तरीके से बताता हूँ। जैसे आईएसओ रहता है, मैं थोड़ा उल्टा आ जाता हूँ क्योंकि समझने को आपको इजी जाएगा। आईएसओ रहते 50 का, 50 का तो आईएसओ आपने देखा नहीं होगा, लेकिन 100 का देखा है। 100 से दुगना, डबल जो होता है वो 200 का। 200 से डबल इंटेंसिटी 400 का। 400 से डबल इंटेंसिटी 800 का। 800 के डबल इंटेंसिटी 1600, 1600 के डबल इंटेंसिटी 3200, 3200 के 6400। ऐसे डबल 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 होते होते आईएसओ बढ़ता बढ़ता जाता है। लेकिन आईएसओ का क्या असर पड़ जाता है? दूसरे बढ़ाने का कैसा है? 1/3 से बढ़ाने का है। माइंड में पता चलना चाहिए आपको कि डबल इंटेंसिटी हो गई, बराबर है। क्यों कह रहे हो? एपर्चर से और शटर स्पीड से वो वही लागू पड़ता जाता है, 1/3 एंगल। आईएसओ में भी 1/3 है, शटर स्पीड में भी 1/3 है, एपर्चर पे भी 1/3 है। तो आपको मैं सीधे से शटर आईएसओ का पहले बताता हूँ। तो आप कैमरा में यहाँ नंबर रहता है, बराबर है। तो इसमें 100 का आईएसओ है, दूसरा आया 125, 160 और 200। तो ये डबल इंटेंसिटी होने के लिए 1, 2, 3 400 हो गए, 1, 2, 3 800 हो गए, 1, 2, 3 1/3। एपरेचर भी 1/3 से डबल हो जाता है, शटर स्पीड भी 1/3 से डबल हो जाता है, आईएसओ भी 1/3 से डबल हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आईएसओ का असर क्या बढ़ जाता है, क्यों बढ़ाना पड़ता है, क्यों कम करना पड़ता है? ये देखिए, 100 का आईएसओ रहेंगे तो इमेज में एकदम स्मूथ इमेज आ जाएगी, नॉइज इमेज बिल्कुल नहीं आ जाएगी। उसमें टेक्चर्स, लाइट, कंडीशन एकदम स्मूथ इमेज आ जाती है, शार्प क्वालिटी में आ जाती है। शार्प तो क्वालिटी कैमरा पे डिपेंड होता है, लेकिन स्मूथ इमेज आ जाती है। जैसे जैसे आप आईएसओ बढ़ते बढ़ते जाओगे उसमें थोड़े थोड़े नॉइज 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 ग्रेन ऐसे बढ़ते जाएंगे, उसमें लाल और ग्रेन और कलर इधर उधर एक साथ में आ जाते और नॉइज दिखते हैं उसमें। तो लो आईएसओ होता है 100 का, 200 का, 400 का, ठीक है। उसके आगे आगे नॉइज ग्रेन बढ़ जाती है इमेज में, तो इमेज काफी लॉस हो जाएगी। तो आईएसओ से क्या काम कर दिया? लाइट बढ़ने का और कम करने का। जितना कम आईएसओ रहेंगे उतने कैमरे में आने वाली लाइट कम आती है, मैक्सिमम आ जाती है। जितना तुम आईएसओ बढ़ते 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 जाओगे, डबल डबल करते जाओगे, उतना आईएसओ की सेंसिटिव लाइट बढ़ जाएगी, कैमरे में आने वाली लाइट बढ़ जाएगी। वैसा ही है एपर्चर का भी। एपर्चर का जितना अपना एपर्चर बड़ा होगा उतने कैमरे में आने वाली लाइट ज़्यादा आ जाएगी, जितना एपर्चर आपका छोटा होगा उतने कैमरे में आने वाली लाइट कम आ जाएगी, वो भी 1/3 से डबल डबल हो जाता है। आप देख लीजिए, माइंड से पता चलता है मुझे भी।
2.8 का एपरेचर तुम कैम रखोगे तो उसके आता है एफ फोर, उसके आगे आता है 5.6, उसके आगे आता है एफ एट, उसके आता है एफ 11, 16, 22, 32, वैसे वैसे डबल इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो भी 1/3 से पता चलता है। जैसे आप कैमरा में देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना एपरेचर है 2.8 का, 2.8, 3.2, 3.5 एंड एफ 4, 1, 2, 3 होगा एफ 5.6, 1, 2, 3 एफ 8, 1, 2, 3 एफ 11, 1, 2, 3 एफ 16, वैसे एपर्चर बढ़ जाता है। लेकिन एपर्चर बढ़ाने पे डबल क्यों बढ़ाना चाहिए, तुम्हें एक डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब कि जितना ज़्यादा एपर्चर रहेगा उतना आगे वाला भाग और पीछे वाला, सब्जेक्ट के आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लर जाता है, जितना एपर्चर बड़ा रहेंगे उससे। जितना एपर्चर आपका छोटा होगा उसे इमेज क्लियर 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 दिखने लगेगी। तो एपर्चर पे भी दो इफेक्ट पड़ जाते हैं, लाइट बढ़ता भी है कम भी होता है। जितना एपर्चर आपका बड़ा हो उतने कैमरे में आने वाली लाइट ज़्यादा आने वाली, जितना एपर्चर आपका छोटा हो उतने कैमरे में आने वाली लाइट कम कम होती जाएगी। दूसरा असर है एपरेचर का डेप्थ ऑफ फील्ड का, उसे कहते हैं एक को डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसमें इमेज डिप दिखाई देगी, क्लियर कट दिखाई देगी। और जितना एपरेचर आपका बड़ा होगा उसे कैसे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, उसमें इमेज काफ़ी ब्लर दिखाई देती है, आगे वाला भाग पीछे वाला भाग। जितना तुम फोकस में रहोगे सब्जेक्ट उतना आपका भाग क्लियर दिखाई देगा और उसके कुछ बीच वाला भाग, आगे वाला और पीछे वाला भाग ब्लर दिखता है, उसे कहते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड किसे कहते हैं, जिसमें इमेज पूरी क्लियर ऑल दिखती है, कहीं पर ब्लर नहीं दिखता है, उसे कहते हैं डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। वो एपर्चर पे आप असर पड़ जाता है। और शटर स्पीड का भी सेम वही तरीका है, जितना शटर स्पीड आप कम 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 करते करते जाओगे, 100 के नीचे 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 आओगे, 100 के नीचे 50 के नीचे 25 20 10, ऐसे कम कम करते जाओगे, वो ट्राइपॉड पे फोटो खींचना पड़ेगा, लेकिन कैमरा में आने वाली लाइट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और जितना शटर स्पीड आप बढ़ते बढ़ते जाओगे, 100 से 200 400 800 1600 3200, शटर स्पीड बढ़ते जाओगे उतने कैमरे में आने वाली लाइट कम होती। तो हो गई शटर स्पीड की भी वही बात, कम शटर स्पीड ज़्यादा लाइट, ज़्यादा शटर स्पीड कम लाइट। दूसरा असर मोशन, शटर स्पीड काफ़ी समझ में जाता है, शटर गति जैसे कि ये फैन फिर रहे पर फोटो काटा जाए तुम्हारा सेम, फैन तो चल रहा है लेकिन उसको रोकने का है, तो तुम्हें शटर स्पीड उसके डबल ट्रिपल चौपट उतना करना पड़ेगा, तो आपको फैन स्थिर दिखाई देगा। लेकिन वो फैन चालू है, वो कैमरा में फोटो देखने के लिए आपको चालू देखना भी चाहिए, ये उसके लिए शटर स्पीड आप बड़ा और कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि तुम स्पोर्ट फोटोग्राफर हो तो उसमें एकदम शटर स्पीड हाई रखना पड़ता है, 500 के ऊपर रखना पड़ता है। लो लाइट इंटेंसिटी में फोटो खींचते हो तो उसमें शटर स्पीड खोलना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो शटर स्पीड के भी नंबर ऐसे ही आपको बता दिया, एपरेचर, शटर स्पीड, ISO। चलो अगले एपिसोड में आपको एक्सपोजर करके दिखाऊंगा, और 3 एंगल से एक एक्सपोजर के आपके व्यू फाइंडर में जो लाइन दिखती है वो एकदम सेंटर में आ जाती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कर देना दोस्तों।